नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रज्ञा और आप सब मुझे देख पा रहे हैं एडुफोरम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने अपने पिछली क्लास में कहा था कि फेलुडा टेस्ट के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो बस इसीलिए आज का ये सेशन स्पेशली फेलुडा टेस्ट रिलेटेड रखा गया है। इसमें हम जानेंगे आखिर क्या है फेलुडा टेस्ट, और 10 दिसंबर से दिल्ली सरकार इसको अपने लेबोरेटरीज में अलाउ कर रही है, तो जानेंगे फेलुडा टेस्ट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा संस्थान एडुफोरम अकेडमी, और अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। जब तक ऑफलाइन स्टार्ट नहीं होता तब तक अगर इस संस्थान के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सामने स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे होंगे इन नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट करिए। फ़ोन, व्हाट्सएप, मैसेज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज बच जाती हैं तो यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी क्वेरीज़ को शॉर्ट आउट करने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पिछले कुछ दिनों फेलुडा टेस्ट बहुत चर्चे में रहा। चर्चे में क्यों रहा? क्योंकि भाई कोरोना का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी महंगा था। आरटीपीसीआर जो अब तक टेस्ट होता था वो लगभग 2000 रुपये उसकी टेस्टिंग रेट थी, और टाइम पीरियड उसमें लगता था लगभग 2 से 3 दिन रिपोर्ट आने में। अब इतना महंगा टेस्ट और इतना लंबा टाइम, तो सरकार की और आईसीएमआर की एक कोशिश लगातार थी कि कोई ऐसा टेस्ट डेवलप किया जाए जो बहुत सस्ता हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, जिससे लोग आसानी से अपना टेस्ट करवा सकें खुद से, और सरकार पे बोझ भी ना आए, सरकार के राजकोष पे। क्योंकि भाई अपने इंडिया में एक मेंटेलिटी ये भी है ना कि अगर हम कोई महंगा टेस्ट कराने जाते हैं, भले ही बीमारी कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, लेकिन अगर टेस्ट महंगा है और टेस्ट निगेटिव आता है तो हमें इस चीज़ से खुशी कम होती है कि हम उस बीमारी से बच गए, बल्कि इस चीज़ का प्रेशर ज़्यादा होता है कि हमारे पैसे बेकार बर्बाद चले गए क्योंकि बीमारी तो निकली नहीं। तो ये मेंटलिटी को देखते हुए बहुत से लोग टेस्ट नहीं कराना चाहते। जानते हैं कि भाई कोरोना होगा तो समझ में आएगा, हमें कौन सा कोरोना है जो हम टेस्ट कराने जाएँ और 2000 रुपये दे के आए लैब में। तो ये समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई टेस्टिंग किट बनाई। हालांकि काफ़ी टाइम से इस पर रिसर्च हो रहा था, फाइनली जाके ये फेलुडा टेस्ट किट बन पाई। अब आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दिस इज़ नॉट फालूदा, दिस इज़ फेलुडा। ओके, जानते हैं फेलुडा के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम है फ्रांसिसेला नोविसिडा कैसनैन एडिटर लिमिटेड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। काफ़ी लंबा नाम है ना, बहुत टंग ट्विस्टिंग भी है। तो आपको ये नाम जानना है, कुछ चीज़ें आपको आँखों से याद रखनी होती हैं, तो ये नाम लगभग वैसे ही है कि आपको आँखों से ये पूरा नाम याद रखना है कि अगर कभी एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन में दे दिया जाए तो ये नाम आप कैच कर पाए। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी ये है फेलुडा के बारे में। वेस्ट बंगाल के बहुत बड़े नोवेलिस्ट थे सत्यजीत रे साहब, उनका एक फेमस उपन्यास था जासूसी उपन्यास। उनके तो जासूसी उपन्यास बहुत फेमस हैं, ब्योमकेश बख्शी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। लेकिन इसके अलावा भी एक किरदार था जो बड़ा फेमस हुआ, उसका नाम था फेलुडा, डिटेक्टिव था जो। ये दिखने में बहुत सीधा सिंपल लेकिन काम इसका बहुत स्मार्ट। शर्लाक होम्स को भी इसने पॉपुलरिटी में पीछे छोड़ दिया था, और ब्योमकेश बख्शी को भी। तो जो हमारा ये टेस्टिंग किट है ये भी लगभग एक तरह से जासूस का काम करता है कि पेशेंट का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें से निकालता है कि आखिर वायरस छुपा कहाँ है। तो जासूसी वाला काम ये टेस्टिंग किट भी करता है, और इसको बनाने वाले फेलुडा से इंस्पायर थे आईजीआईवी लैब के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको फेलुडा नाम दिया। तो ये फेलुडा आपको याद करने में आसानी रहेगी, लेकिन इसके अलावा भी आपको जो साइंटिफिक नेम दिया है फ्रांसिसेला नोविसिडा, ये जो पूरा नाम है इस नाम को भी आपको याद रखना पड़ेगा। भले ही आप इसको रट ना पाए लेकिन आंखों से तो याद करने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। व्हाट इज दिस? दिस इज लाइक अ प्रेगनेंसी किट, जो टेस्टिंग किट है ये। इसमें मैं बता दूं कि जो टाइम है 30 से 1 घंटा। इससे पहले जो टेस्ट होते थे उनमें लगभग बताया था मैंने आपको 2 दिन तक लग जाते थे, और इसकी जो रेट है सिर्फ 500 रुपये। 500 रुपये का टेस्ट है, आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगता है, और टेस्टिंग इसकी जो है किसी भी पैथोलॉजी लैब में आसानी से हो सकती है, कहीं भी इसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो इसलिए ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साइंटिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा खुशखबरी वाली बात है। क्या होता है इस टेस्ट में, आइए उसके बारे में जानते हैं। थोड़ा जेनेटिक लेवल पे जाके पता करते हैं क्या है ये टेस्ट। इसमें हमने जो एक अपना प्रोटीन यूज़ किया है वो है कैश9। ठीक, कैश9 के बारे में अभी हम और ज़्यादा जानेंगे। कैश9 और ये है वायरस का जेनेटिक मटेरियल। ठीक,
पेशेंट का जो हम नेजल स्वैब लेते हैं वहाँ से हम वायरस का जेनेटिक मटेरियल निकालते हैं, तो कैश नाइन हम अपनी तरफ से डालते हैं उसमें। अब जब कैश नाइन और ये जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, अगर जेनेटिक मटेरियल है ये प्रेजेंट है, तब क्या रिएक्शन होगा? जो पेपर स्ट्रिप है, एक सिंपल सी पेपर स्ट्रिप है, बहुत सारी गायनेक इसको यूज़ करती हैं प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, तो वही सिंपल पेपर स्ट्रिप है। इस पे दो तरह की लाइन दिखेंगी आपको, अगर पेशेंट नेगेटिव पॉजिटिव है तो। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं कंट्रोल लाइन, ये तो होती होती है, ये रहेगी। अगर पेशेंट कोरोना नेगेटिव है तो ये सिंगल लाइन आएगी, मतलब वो बंदा बच गया कोरोना से। अगर ये लाइन भी आ गई इस स्ट्रिप पे, दो लाइनें दिख गई, इट मीन्स अनफॉर्चुनेटली दैट पर्सन इज कोरोना पॉजिटिव। ठीक, तो इस लाइन को हम बोलते हैं टेस्ट लाइन और इस लाइन को हम बोलते हैं कंट्रोल लाइन। ये सिंगल लाइन का आना मतलब है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर डबल लाइन आ गई मतलब आप खतरे में हैं। कैश नाइन प्रोटीन क्या है? ये एंजाइम है जो किससे इंटरेक्ट करता है, सार्स कोव सीक्वेंस से पेशेंट के जेनेटिक मटेरियल में, जहाँ वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होगा अगर वायरस है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलिए इस स्लाइड पे हम बाद में आते हैं, पहले हम इस पे जानते हैं कि क्या है ये कैश नाइन प्रोटीन और कैसे काम करेगा ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, क्या है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी? कैस नाइन है, डबल आर एन ए इसमें, और ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझिए। इसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ऐसे सीक्वेंस हैं, ऐसे सीक्वेंस हैं जो आपके डीएनए में एक तरह से फैमिलियर हैं, एक जैसे हैं और जगह जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, वो सिमिलर टाइप के होते हैं। ठीक, बीच बीच में ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। और जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, क्या है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी? ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है, इसमें क्या जीन कैसे हम एडिट करते हैं, जो हमारा कैश नाइन प्रोटीन है वो हमारा कैश नाइन प्रोटीन कैसे काम करता है, एक सीजर की तरह काम करता है। उसको अगर बता दिया जाए कि उसको एक पर्टिकुलर साइट पे जाना है, उस साइट पे अगर उसको लोकेशन सेट हो जाए, तो वहाँ जाके आइडेंटिफाई करेगा एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड को और वहाँ जाके उसको कट कर देगा। यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर देगा, यहाँ भी कर देगा, उस हिस्से को काटना इसका बेसिक मेन काम रहता है। और इस टेक्नोलॉजी में, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में, हम आरएनए यूज़ करते हैं, गाइडेड आरएनए होता है वो। उसका काम होता है कि कैश नाइन को उसकी सही जगह तक पहुंचा दे। तो आरएनए कैश नाइन को लेके जो बाउंड करके यहाँ पे आएगा और कैश नाइन एक जगह को काटेगा, और उस जगह को काट के, इसका मतलब यहाँ पे अगर वायरस है तो, उस जगह को काट के उस पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है, जो कटा हुआ पार्ट है, उसकी फिर स्टडी की जाएगी, उसको चेक किया जाएगा कि आखिर ये इसका जो जेनेटिक फॉर्मेशन है वो क्या कहता है। साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करेंगे। अब जब ये, मैंने आपको एक बात पीछे नहीं बताई कि जब ये टेस्ट हो जाता है तो मालूम कैसे पड़ता है कि पेशेंट में कोरोना है कि नहीं। ये टेस्ट होने के बाद जो कलर निकल के आता है, ये कलर डिटेक्शन ऐसे है एक तरह से। इसमें कलर कलर के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो उसमें गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो कलर प्रोड्यूस करते हैं, उस बेस पे हम जानते हैं कि ये कंट्रोल लाइन है और ये टेस्ट लाइन है। तो टेस्ट लाइन आती है वो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की वजह से आती है, उस चीज़ को आप भूलना मत। खैर, हम फिर आते हैं इस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पे। इट इज़ अ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी डिटेक्ट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए विद इन ए जीन, जो मैंने बताया है, एंड यूजेस एन एंजाइम फंक्शनिंग एज मॉलिकुलर सीजर। जो हमारा कैश नाइन है उसका काम ही है मॉलिकुलर सीजर की तरह, मॉलिकुलर कैंची मान सकते हैं उसको हम। ठीक, अब हम आते हैं थोड़ा पीछे। ये हमारा डीएनए है, ये हमारा मॉलिकुलर फॉर्म में डीएनए है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जगह जगह कुछ सीक्वेंस होंगे डीएनए जीन के। इन सीक्वेंस पे अटैक करना कैश नाइन का काम है। बड़े फॉर्म में देखें तो यहाँ देख सकते हैं, सपोज दैट बीमारी यहाँ भी हो सकती है, बीमारी यहाँ भी हो सकती है, जहाँ कैश नाइन को काम करना है वो बीमारी वाला पोर्शन ये भी हो सकता है। ठीक, अब कैश नाइन कैसे काम करता है, ज़रा ये देखिए। एक थोड़ा सा मैंने आपको एनिमेशन दिया है, इस चीज़ को देखिए। ये डीएनए स्ट्रैंड है, सपोज दैट यहाँ पे अगर कैश नाइन को काटना है तो कुछ इस तरीके से स्ट्रैंड कटेगा। एक बार फिर से देखिए,
ये स्ट्रैंड, ये हिस्सा टुकड़ा अलग हो गया, इसको हमने क्या नाम दिया, जीन एडिटिंग। यहाँ पे हमने जीन की कटिंग की है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीन एडिटिंग बहुत बड़ी, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आसानी से इतना यूज़ नहीं किया सकता, इसमें बहुत सारी एनालिसिस चाहिए, बहुत सारी स्टडी चाहिए। यहाँ हमने जीन को कटिंग किया हुआ है सिर्फ। इसके अलावा अगर आगे की प्रोसेस होती है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं किसी जेनेटिक डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, वो आगे की प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि मान लो ये हिस्सा काट के अलग कर दिया है Cas9 ने, इस हिस्से को काट दिया गया है, जीन कटिंग हो गई। अब उसके बाद क्या, तो जीन एडिटिंग जो कंप्लीट प्रोसेस है वो ये बताती है कि जब हम डीएनए को काट के अलग करते हैं तो डीएनए की एक टेंडेंसी होती है, वो खुद को रिपेयर करता है, खुद को वापस जोड़ता है। अब चूंकि ये जगह तो बीमारी वाली है, ठीक, अब ये बीमारी वाली जगह अगर डीएनए खुद से बनाएगा तो कहीं वो खुद से पहले जैसे जो बीमारी वाली जगह थी, जो स्ट्रैंड था बीमारी वाला पोर्शन, इसको शुद्ध हिंदी में समझते हैं बीमारी वाला पोर्शन, हालांकि ये स्ट्रैंड है, कुछ डीएनए कुछ जीन सीक्वेंस होते हैं वो सीक्वेंस में गड़बड़ी आ जाती है। सीक्वेंस कैसे होते हैं, एडेनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन ATCG, इस तरीके के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। इनमें अगर गड़बड़ी आ गई तो जेनेटिक डिजीज क्रिएट होती है। तो हमने इस स्ट्रैंड को काट के अलग कर दिया, उसके बाद डीएनए में टेंडेंसी आई कि वो खुद को रिपेयर कर लेगा। जब रिपेयर करेगा तब साइंटिस्ट उसमें इंटरवेंट करेंगे, और साइंटिस्ट का काम रहेगा कि इस सीक्वेंस को जो करेक्ट सीक्वेंस है वो यहाँ आके लगाएं। तो इस तरीके से जीन एडिटिंग प्रोसेस पूरी होती है, इसको बोलते हैं जीन मॉडिफिकेशन भी, और इस तरीके से जेनेटिक डिजीज का इलाज भी किया जाता है। हालांकि ये प्रोसेस बहुत अभी एक तरह से ह्यूमन में हम अप्लाई इतना आसानी से नहीं कर सकते, परमिशन नहीं मिली हुई है, लेकिन जो एनिमल्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उन पर हम टेस्टिंग करते हैं। तो ये पूरा था आपका Cas9 प्रोटीन और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। RT-PCR टेस्ट था, उसमें हम 3 दिन लगा 2 दिन लगाते थे। उसमें क्या करते थे कि चूंकि ये वायरस RNA वायरस है, DNA RNA दो तरह के स्ट्रैंड होते हैं, DNA होता है और RNA होता है किसी सेल में, तो ये जो सेल है वायरस की इसमें RNA प्रेजेंट है। अब चूंकि RNA को एम्प्लीफाई नहीं किया जा सकता, अगर हमें मिल गया तो उसके हम कॉपियाँ कैसे बनाएंगे, कॉपी और या जिसको बोलते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन, ये होती है सिर्फ DNA की। तो पहले हम वायरस का जेनेटिक मटेरियल लेते हैं, RNA लेते हैं, उसको फिर हम DNA में कन्वर्ट करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, RT-PCR जिसको बोलते हैं। वो RT-PCR क्या करता है, RNA को DNA में बदलता है। अब DNA हमें मिल गया तो हमें उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, काफ़ी कम है, हमें रिसर्च करने के लिए थोड़ा और बड़ा चाहिए, वो उसके स्ट्रेंथ में थोड़ा और ज़्यादा इजाफा होना चाहिए, तब हम उस पर डिटेल स्टडी कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। तो जो पूरी प्रोसेस है RT-PCR फिर उसके बाद जीन एम्प्लीफिकेशन की, ये बहुत लंबी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। इसीलिए सिंपल टेस्ट किया गया कि हम Cas9 क्रिस्पर को यूज करेंगे और हमें कलर डिटेक्शन के बेस पे पता चलेगा कि इस पर्सन में कोरोना है या कोरोना नहीं है। तो इसको अप्रूव किसने किया है, DGCI ने इसको अप्रूव किया है। DGCI के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। दिस इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ द, अब जैसे कि नाम से लग रहा होगा ना आपको, समथिंग इज रिलेटेड टू ड्रग, ड्रग मतलब नशा वाला ड्रग नहीं, ड्रग का मतलब होता है दवाई, जब उस चीज़ को हम गलत तरीके से यूज़ करने लगते हैं तो वो नशा बन जाता है, और जो कि इलीगल है। ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है, जो दवाइयाँ हैं, जो ब्लड सैंपल हैं, उनको लेना, कहाँ से लेना है, कैसे ले सकते हैं, उन सब पे इसका कंट्रोल रहता है। IV फ्लूइड से अगर आप इसका कलेक्शन करते हैं तो इस पे भी इसका कंट्रोल रहेगा। अब वैक्सीन बन रही है इंडिया में, वैक्सीन आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, कोविशील्ड, फाइजर, कोवैक्सीन, इन सब ने DGCI के सामने रिक्वेस्ट किया कि हमको मार्केट में रिलीज किया जाए, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया जाए। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन क्या, ये मैंने आपको द हिंदू का डिटेल एनालिसिस करते टाइम बताया था, ठीक, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस इतना समझ लीजिए कि इमरजेंसी में यूज होने के लिए एक अथॉरिटी दे दीजिए कि भाई आपातकाल चल रहा है तो हमें यहाँ पर मार्केट में आने दीजिए, क्या पता हम इस बीमारी को ठीक कर पाएँ, ठीक। उसको आप अभी इतना शॉर्ट फॉर्म में समझिए, बाकी आपको समझना हो तो आप दूसरे हमारे जो चैनल वीडियोज़ हैं उसको देख सकते हैं। खैर, इसका जो काम है इन वैक्सीन को और ड्रग्स को अप्रूवल देना, इसके अलावा ये आता है कि इसमें जहाँ जाहिर सी बात है कि भाई ड्रग दवाई वाली चीज़ें तो हेल्थ से रिलेटेड होगा, तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है।
डीजीसीआई क्या करता है कि दवाइयों का जो इंडिया में दवाइयां बन रही हैं, कहाँ कहाँ बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, इस पे एक इक्वलिटी रहे, हर हर जगह हर स्टेट में समानता रहे, उस पे काम करता है ये। उसके स्टैंडर्ड और उसके मैन्युफैक्चरिंग पे भी ध्यान देता है। इसके बाद डीजीसीआई डाउन द स्टैंडर्ड क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग हो गया ये, एक्टिंग एज एपीलेट। अगर अगर ड्रग बनाने के केस में मैन्युफैक्चरिंग के दौरान डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कोई डिस्प्यूट है तो डीजीसीआई उसमें एपीलेट अथॉरिटी की तरह काम करता है। ठीक, आगे हर देश का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है किसी भी ड्रग को बनाने का, दवाई को बनाने का, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी प्राइसिंग। ये तीन चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं दवाई के बनने में, उसका वितरण करने में, उनकी कीमत तय करने में। इसका हर देश का अपना अलग अलग मानक होता है, इंडिया का भी अपना अलग पैरामीटर है। तो डीजीसीआई का काम क्या है कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे पूरे देश में। ऐसा ना हो कन्याकुमारी में कोई दवाई 25 रुपये की मिल रही हो, कश्मीर में जाके वो 250 रुपये की हो जाए। ठीक, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को देखता है डीजीसीआई। अब डीजीसीआई का काम खत्म हुआ, वैक्सीन के बारे में बस इतना बताऊंगी मैं कि ये जो वैक्सीन है एक आईजीआईबी संस्थान है, सीएसआईआर की, बहुत हाईली रेपुटेटेड संस्थान है ये आईजीआईबी। इसमें ये इस दवाई का जो टेस्टिंग किट है, कोरोना की फेलोर टेस्टिंग किट है, उसका जो डेवलपमेंट हुआ है इस इंस्टीट्यूट में हुआ है। और साथ में इसको सपोर्ट किसने किया है, ऑफकोर्स टाटा ग्रुप, क्योंकि जब भी ऐसी कोई आपदा आती है टाटा ग्रुप हमेशा सबके हमेशा सब सरकार से आगे आगे काम करने की कोशिश करता है फॉर पीपल वेलफेयर। और मैंने बताया कि साइंटिस्ट में खुशी की लहर इसलिए भी है कि इंडिया का पहला कोरोना वायरस का ऐसा टेस्टिंग है जिसमें Cas9 और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ये साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा खुश करने वाली बात है इंडिया में कि हम इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को एटलीस्ट कोरोना के लिए यूज़ कर पा रहे हैं, और दुनिया की ऐसी पहली टेस्टिंग किट बनी है जिसमें Cas9 क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। अब ये एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आती है कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी Cas9 क्रिस्पर, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2020 के जब आप नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो उसमें जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला हुआ है वो इन दो लेडीज़ को मिला हुआ है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों महिलाएं, वो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ये फ्रेंच के हैं, इमैनुअल मैरी चारपेंटर एंड चीज जेनिफर एना डोडना। इन दोनों ने किस पे काम किया है, इन दोनों ने ही जीन एडिटिंग पे काम किया है, और इन्होंने काफ़ी काम किया है क्रिस्पर और Cas9 पर भी, इसलिए इनको इस साल का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इसलिए आपका जो फेलोरा टेस्ट है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज ये न्यूज़ में था, आज के द हिंदू में था कि आज इनको जो इनका अवार्ड है नोबेल प्राइज़ उनके घर तक पहुंच गया है। इस साल हर चीज़ वर्चुअल हो रही है तो इनका जो अवार्ड है ये वहां जाके नहीं ले पाई, तो अवार्ड उन्हें घर पे मिला है। ये आज की ताज़ा खबर थी। बस इसी के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें हैं, बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स हैं। अगर कोई टर्म आपको समझ में ना आ रहा हो, कुछ डाउट क्रिएट हो रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके डाउट को सॉर्ट आउट करूँ। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती क्योंकि माइन्यूट चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बेसिक साइंस की चीज़ें होती हैं जिन्हें पढ़ना ही पड़ता है आपको स्टार्टिंग से। तो इसी के साथ मैं क्लास ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।